अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका भाई हसन प्लम्बर। मैं आज नया वीडियो लेके आया हूँ, काउंटर बेसिंग डायवर्टर में पानी कमती आ रहा है, कैसे ठीक किया था दिखा रहा हूँ आप लोग को। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपका पास नोटिफिकेशन जाएंगे, आप काम देख सकेंगे। अभी मैं काम कैसे करता हूँ दिखा रहा हूँ आप लोग को, चले दिखा। हेलो गाइस, काम हो गया, कैसे कहते पूरा वीडियो दिखे। देखिए गाइस, मैं आज दिखाऊंगा आप लोग को कंट्रोल बेसिंग कैसे फिट करते हैं। देखिए इधर फिटिंग होगा इस सेलब पर, क्योंकि इससे वो सेहत है ना, इसको थोड़ा और करना पड़ेगा, पतला कर दिया, इसको मोटा करना पड़ेगा सेहत को। देखिए नहीं गुस्सा, देखा वॉश कपलिंग, इसके सेहत को करेंगे। अभी क्या करेंगे, वॉश कपलिंग को लगाएंगे बेसिंग पर। ये बेसिंग है, देखिए वॉश कपलिंग लगा रहा हूँ। देखिए क्योंकि वॉश कपलिंग को हाथों से टाइट देखे, पाइप रेस्ट के टाइट दीजिए, इतना टाइट ज़्यादा मत दीजिए, स्लिप हो जाए, हिसाब से आप टाइट दीजिए। अभी लगा रहा हूँ, देखे कैसे लगाते, देखे आगे वॉशर देखे, बाद में लगाना होगा। एम सील दे दिया था, इसको लगाएंगे अभी। क्योंकि देखिए इधर जो कपलिंग है, वॉश कपलिंग घुसता नहीं है, इसलिए फुटा थोड़ा सेट करेंगे चारों तरफ, सेट करके बाद में बेसिंग इधर फिट करूँगा। और सिंक कॉक होगा इधर, इधर कॉक नहीं लगाएंगे हम लोग। देखिए जो सिंक कॉक है, जो इसका जो ठेड है जो लॉन्ग है, ये ठेड को क्या होगा, इसे लगाने से इधर टूट जाएंगे, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको खुल दूंगा, खुल के थोड़ा काट के इस जो एक्स्ट्रा पार्ट वो निकाल दूंगा, क्योंकि निकल देना पड़ेगा, इसको निकल के काटूंगा। इधर देखिए फैलेंस हटा लो, फैलेंस हटा के दिखाओ, फैलेंस है लगा हुआ, देखिए इधर काटना होगा, आधा इंची काट दूंगा इसको। आधा इंची काटने के बाद क्या होगा, तब अच्छा से सेटिंग होगा, इधर काट देंगे, देखिए इधर इधर तक काट देंगे तो फैलेंस लगाने। खिलाना इसलिए क्या किया, बेसिक फिट कर दिया हूँ और टैप भी लगा दिया हूँ, शॉर्ट कर दिया हूँ, टैप काट के लगाया था, अभी इसको क्या करेंगे, फिनिशिंग देंगे। देखिएगा जो ये डायवर्टर लगा हुआ है, शावर पर पानी नहीं आते हैं, इसको मैं खोलूँगा, खुल के शावर पर पानी लगाऊँगा, बाकी पानी आ रहा है, अभी खोलूँगा। देखिए शावर में पानी नहीं आ रहा है, देखिए इसको अभी हम खोलेंगे, कैसे खोलता हूँ दिखाऊँगा, और दोबारा फिटिंग कर रहूँगा, कैसे फिटिंग कर रहा हूँ मैं दिखाऊँगा आप लोग को। देखिए एल के रेंस होगा, सही है, एल के रेंस लेके इसको डायवर्टर जो पार्ट है, पार्ट को पूरा खुलना होगा, इसलिए पार्ट को मैं खोल रहा हूँ। देखिए पूरा वीडियो खुलने के बाद जो शावर, शावर में पानी नहीं आते हैं, शावर में पानी लाना पड़ेगा, टैप में आते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा होगा इसलिए मैं दिखाया नहीं था। मैं खुल रहा हूँ क्योंकि मालिक, घर का मालिक मेरे पास वीडियो बना रहा है, मालिक घर का मालिक, इसलिए मैं इसको पूरा पार्ट खोलना। देखिए पार्ट खुल के अंदर का पार्ट भी खुलूंगा, क्योंकि इसको खुल के जो पाइप कटा था ना, पाइप का कचरा घुस गया अंदर में, इसको खुल दिया, देखिए सफ़ा कर लिया हूँ। अभी सफ़ा करने के बाद इसको क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे। देखिए जैसे मैं फिटिंग कर रहा हूँ वैसे करिए, हटा देते हूँ,
टाइट देने के बाद इसको फिटिंग करें, कैसे कैसे फिटिंग करें देखिए आप लोग ऐसे करें। अभी देखिए गुटका लगा रहा हूँ इसके अंदर लगा के, जो ऊपर का पार्ट लगाऊंगा बाद में, लगाने के बाद जो शावर में पानी नहीं आ रहा था ये चेक करूँगा, शावर में पानी आ जाएंगे देखेंगे। फिर फिटिंग कर रहा हूँ देखिए ऐसे फिटिंग करिए, लगाया था इसको टाइट देंगे, इसको रिवर्स से टाइट देके ऊपर का पार्ट लगाऊंगा। देखिए गैस फिट कर लिया हूँ डिवाइडर भी चेक करेंगे। देखिए गैस फिटिंग कर लिया हूँ, पानी आ गया शावर पर, देखिए गैस बेसिन पर पानी आ गया।